नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप नया मकान खरीदते हैं तो आपको किन 6 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो उत्तर या पूरब में हो तो ये सबसे शुभ माना जाता है। तो इस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी नया घर खरीदते हैं तो उसका जो एंट्रेंस है वो उत्तर मुखी या पूरब मुखी ही रखें, वो आपके लिए एक बेहतरीन डिसीजन होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अब हम बात करते हैं उन घरों की के जिन घरों का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी हो तो उस केस में क्या किया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका एक इलाज ये है कि दक्षिण मुखी घरों के अंदर आप जो है एक हनुमान जी का चित्र जो है वह लगा सकते हैं। उससे जो है काफी हद तक दक्षिण की तरफ से नेगेटिव एनर्जीज आती भी है बाय द वे, तो वो कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा अगर यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो आप एक काले घोड़े की जो नाल है वो अपने मुख्य द्वार पर स्थापित कर सकते हैं। उससे आप पाएंगे कि काफी हद तक जो नेगेटिव एनर्जीज जो उस द्वार से आती है मुख्य द्वार से वो कंट्रोल में हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना चाहिए जब आप नए घर में जाते हैं, तो आपको अपने घर का ब्रह्म स्थान जो होता है यानी कि सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट और फ्लैट जो आपने लिया है, बिल्कुल सेंटर जो होता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उसको आप एक्टिवेट कीजिए, जिसको हम वास्तु पूजन के द्वारा बोलते हैं कि एक्टिवेट करना। तो आप ब्रह्म स्थान को जरूर एक्टिवेट कीजिए, वो बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जब आप नया घर खरीदते हैं तो आपको ईशान कोण के अंदर मंदिर रखना एक तो बहुत जरूरी होता है, और इसके अलावा आप कुछ किताबें वगैरह भी उधर रख सकते हैं। और आप चाहे तो ईशान कोण के अंदर एक थोड़ा सा बड़े साइज का एक पिरामिड अगर आप लगाते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं, वो उसकी आप कोशिश ये कीजिए कि जब आप पूजा करें तो वो पिरामिड आपके सिर के ऊपर हो, तो उससे भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पानी की। जब आप नया घर खरीदेंगे तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पानी की जो निकासी होती है वो आपके नए घर या प्लॉट के अंदर हमेशा उत्तर की तरफ से या पूरब की तरफ से ही होनी चाहिए। निकासी से मेरा मतलब है कि वाटर का जो एग्जिट है वो आपका उत्तर या पूरब से ही बाहर जाना चाहिए। इट कुड बी वाटर ऑफ किचन, या आपके किचन का पानी हो या आपके सेप्टिक टैंक का पानी हो, उसकी निकासी आपके प्लॉट से उत्तर या पूरब जो दिशा होती है उसकी तरफ से हो तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। और इसके अलावा जो छठी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है आपका घर का टॉयलेट। तो यदि आपका घर का टॉयलेट उत्तर में पूरब में या ईशान कोण में आता है तो ये बिल्कुल गलत माना गया है, परंतु अब बन गया टॉयलेट ऐसी सिचुएशन में अगर है तो आप क्या करें, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका उत्तर का टॉयलेट है या पूरब का टॉयलेट है तो आप उसमें केवल नहाने का प्रावधान रख सकते हैं, मगर शौच जाने का प्रावधान आपको नहीं रखना चाहिए। शौच जाने के प्रावधान को रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझे कि आप केवल पश्चिम दिशा में जो या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में जो टॉयलेट होता है उसमें अगर शौच जाते हैं तो अच्छा माना जाता है, यानी कि ऑस्पिशियस माना जाता है। तो दोस्तों आपको पानी की निकासी और टॉयलेट का जो पोजीशनिंग है ये मैंने आपको बताया, ये बहुत ही दो जो लास्ट के बताए हुए पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यदि फिर भी आप कहते हैं कि टॉयलेट गलत बना हुआ है तो सर इस केस में क्या करें, इस केस में आप बेहतरीन तरीके से एक उपाय कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने बाथरूम या टॉयलेट के अंदर एक छोटा सा शेल्फ लगा के या किसी खिड़की के ऊपर थोड़ा हाइट दे के एक कांच की कटोरी के अंदर सेंधा नमक जो होता है हार्ड रॉक जिसे बोलते हैं सेंधा नमक भर के रखे, और हर 15-15 दिन बाद उस सेंधा नमक को जो है अपने घर से बाहर आप उसको नाली में फेंक सकते हैं, वो अपने आप डाइल्यूट होकर चला जाएगा और आप जो है उस कटोरी में फिर से नया नमक भर के रख सकते हैं। तो ये जो 6 उपाय मैंने आपको बताए ये आपको ध्यान रखने हैं जब आप एक किसी भी नए घर के अंदर प्रवेश लेते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने आपको बताई, ये 6 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। और तो और दोस्तों इस तरह की और जानकारी भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में देता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, और आज के लिए इतना ही।